फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है बहुत भारी वैकेंसी यहां पे आने वाली है, जिसमें लगभग 5,835 पोस्ट यहां पे निकलने वाली हैं, जिसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और एनएचएम की भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है। तो इसमें जो है आप ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं और पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम केवल स्टाफ नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन के अंतर्गत जो है नेशनल हेल्थ मिशन एमपी में जो वैकेंसी निकाली जानी है उसके बारे में बात करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। तो जान लेते हैं शॉर्ट में हम थोड़ी सी जानकारी जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश एमपी के अंतर्गत स्टाफ नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2020 यहाँ पे है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो है हमारी 28/12/2020, यानी 28 दिसंबर 2020 से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/1/2021, यानी 15 जनवरी 2021 तक आप इसका जो है ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर पाएंगे। इसकी जो है एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल यहाँ पे है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल में यहाँ पे कोई शुल्क आपको नहीं देना है, ये आवेदन बिल्कुल आपको निःशुल्क भरा जाएगा। इसमें कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होगा, केवल आपको जो है कियोस्क पर जाकर अगर आप आवेदन करते हैं तो कियोस्क चार्ज आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम पोस्टों की बात करें तो वैकेंसी और डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं 5,835 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 720 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 719 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 266 पोस्ट है, एससी के लिए 426 है और एसटी के लिए 533 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। इसमें योग्यता यानी एलिजिबिलिटी आपकी जो है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। एज आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एज जो आपकी काउंट है वो 1/10/2021 के लिए की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टाफ नर्स यानी अपना एएनएम की जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स के अंतर्गत, जो है नर्स मिड वाइफ के अंतर्गत जो एएनएम की वैकेंसी है, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए दो जो हमारी जनरल कैटेगरी के लिए 689 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए भी 689 वैकेंसी यहाँ पे है, ईडब्ल्यूएस के लिए 255 है, एससी के लिए यहाँ पे 408 है और एसटी के लिए 510 वैकेंसी है। इसमें 12th पास प्लस एएनएम का कोर्स होना अनिवार्य है। 12th पास और इसके साथ साथ एएनएम का कोर्स आपके पास होना अनिवार्य है और इसमें एज लिमिट आपका 21 से 40 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 168 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 167 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 वैकेंसी है, एससी के लिए 99 और एसटी के लिए 124 पद यहाँ पे आएंगे। इसमें बीएमएलटी डिप्लोमा यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी की जो बीएससी के साथ जो है आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसमें जो है 21 से 40 वर्ष ईयर आपकी एज होगी और इसमें जो है एज काउंट आपका 1/10/2021 किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम पीडीएफ के माध्यम से इसकी जानकारी देख लेते हैं। ये तो शॉर्ट में जानकारी थी और इसमें जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट आपको याद रखना है 28/12/2020 है और लास्ट डेट इसकी जो है 15/1/2021 यहाँ पे बताई गई है। अब हम पीडीएफ के माध्यम से जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे हम बता दें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है आज आप देख सकते हैं 17/12/2020 को ये जो है यहाँ पे प्रकाशित की गई है। इसमें जो है संविदा स्टाफ नर्स की जो ये वैकेंसी है ये 31 मार्च 2021 तक के लिए होगा। यहाँ पे स्टाफ नर्स संविदा स्टाफ नर्स के लिए 2,664 वैकेंसी है। इसमें पेमेंट आपका 20,000 प्रति माह है। इसमें आपका जो है 12th पास होना अनिवार्य है यानी कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके पास जो है जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना अनिवार्य है तो यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। 21 से 24 साल के बीच में आपका एज होना अनिवार्य है। इसके जो ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आपको आवेदन करना है वो हमारी saems.co.in की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे एएनएम की डिटेल देख लेते हैं। तो एएनएम की भी जानकारी आप देख सकते हैं 17/12/2020 को ये प्रकाशित की गई है। इसमें संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की रिक्त पद है जो कि 31 मार्च 2021 तक यहाँ पे होंगे। इसमें जो है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ANM के 2551 यानी 2551 पोस्ट यहाँ पे है, 12,000 पेमेंट है। यहाँ पे 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ ANM का आपके पास कोर्स होना अनिवार्य है। 21 से 40 वर्ष के बीच में इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन में जो है यहाँ पे 31 मार्च 2021 तक जो आवेदन है आपका मान्य होगा। यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन में जो है 620 वैकेंसी है, जिसमें 15,000 आपका पेमेंट होगा। और इसमें आपको विश्वविद्यालय संस्था से जो है BSc MLT या जो आपका बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा होता है वो आपको यहाँ पे होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो हम आपके वीडियो के माध्यम से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से बताएंगे। ये जो है शॉर्ट में जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि हमारे मध्य प्रदेश में जो है संविदा आधार पर भारी भर्ती आने वाली है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए है। और ये उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी भर्ती होगी जो स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और यहाँ पे स्टाफ नर्स ANM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी इसे शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक ये जानकारी पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।